हमारे देश की जेन अल्फा बच्चों की जान खतरे में। जेन अल्फा इज डूम्ड। नो नीड। ये बच्चा तो मोबाइल का कीड़ा बना हुआ है। आप भी ऐसे नन्हे मुन्ने बच्चे मोबाइल में ना घुसें। अलग अलग लोगों के जेन अल्फा के अलग अलग डेफिनेशंस हैं, लेकिन जो लार्जली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है वो ये है कि जो बच्चे 2010 से 2025 तक पैदा होंगे उन बच्चों को जेनरेशन अल्फा कंसिडर किया जाता है। यानी ये सारे जेन अल्फा बच्चे अभी मैक्सिमम 14 से 15 साल के होंगे। लेकिन हाँ, एक चीज है जिसमें सबकी राय ऑलमोस्ट एक समान है कि जेन अल्फा अब तक की सबसे बिगड़ी हुई जनरेशन है। एक्चुअली इस जनरेशन के बच्चों में कुछ ऐसे सिम्टम्स देखे जा रहे हैं जो काफी कंसर्निंग है। इसके साथ जो प्रॉब्लम है वो नेट इंटरनेट यूज करने से हुई है। मोबाइल और ये आईफोन आईपैड जो हम यूज करते हैं, इस वजह से इस बच्ची के मेंटली इसको प्रॉब्लम हुआ है। जैसे सबसे पहला ही सिम्टम है डिप्रेशन एंड एंजाइटी। जेनरेशन अल्फा के बच्चे सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड और एंग्शियस बच्चे हैं। कई सर्वेज में पाया जा रहा है कि लिटरली 6 से 7 साल के बच्चे 8 साल के बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। इस एज में इन्हें किस बात का स्ट्रेस और एंग्जाइटी हो रहा है? 2024 यूपी में 5 साल की बच्ची कामिनी की कार्टून देखते देखते अचानक से मौत हो गई। रीजन, हार्ट अटैक। 2020 में इजिप्ट में तो 12 साल का बच्चा पबजी खेलते खेलते अचानक से कोलैप्स हो गया। अगेन रीजन, हार्ट अटैक। दूसरा कंसर्निंग सिम्टम, टैंट्रम्स। इन वीडियोस को देखो, ट्रिगर्ड चिड़चिड़े बच्चे जिनमें वो सेंस ऑफ फैमिली, वो सेंस ऑफ उनके लिए केयर और रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ है ही नहीं। इनका फेवरेट कार्टून नहीं लगाया तो ये झगड़ा करने लग जाते हैं, सिर पटकने लग जाते हैं, और छोटी सी भी बात इनके मन के हिसाब से नहीं होती तो ये पूरा घर तक तोड़ देते हैं। What you're seeing now is the work of a spoiled kid. A 12-year-old boy destroyed their entire house. तीसरा वेरी कंसर्निंग सिम्टम, डम्बनेस। हाल ही में देखा गया है कि दुनिया भर में टीचर्स फ्रस्ट्रेट होकर अब रेजिग्नेशंस डाल रहे हैं। How many alphabets are there in English? नहीं पता। टीचर्स का कहना है कि जेनरेशन अल्फा इज द डम्बेस्ट जेनरेशन एवर। फिफ्थ स्टैंडर्ड के मेंटली डिसेबल्ड बच्चे तक सेवेंथ स्टैंडर्ड के नॉन डिसेबल्ड बच्चों से ज्यादा बेहतर पढ़ाई कर पा रहे हैं। I've never seen anything like it. My fifth graders with significant language-based learning disabilities could write better than non-disabled seventh graders can now. I'ma just say this, I teach seventh grade, they are still performing on the fourth grade level. Having to teach and work with you guys as children has been the most traumatic experience of my life. एक बच्चे को तो जब पूछा गया बेटा दूध किससे मिलता है तो उसने कहा फोन से। इन्हें बेसिक स्पेलिंग्स नहीं आ रही है, मैथ्स नहीं आ रहा है, प्लस इनकी स्कूल में बदतमीजी इतनी बढ़ गई है कि ये टीचर्स को ही अब्यूज करने लग गए हैं। ना, जब मैं ये सारे सिम्टम्स बता रही थी, आई एम डैम श्योर आप में से कई लोगों ने ये सिम्टम्स अपने छोटे भाई, अपने पड़ोसी के बच्चे, किसी ना किसी बच्चे में तो आपने भी ये सिम्टम्स देखे ही होंगे, राइट? लेकिन सबसे शॉकिंग बात बताऊं, थ्रू आउट आर रिसर्च एक चीज जो हमने काफी क्लियरली ऑब्जर्व की वो ये है कि इंडिया के बाहर ऑलमोस्ट हर छोटे बड़े देशों में इस जेनरेशन अल्फा के मेंटल प्रॉब्लम्स और उनके फिजिकल प्रॉब्लम्स पर कई सारे स्टडीज और रिसर्च कंडक्ट किए जा रहे हैं, लेकिन इंडिया में मानो सभी ने अपनी आंखें बंद कर रखी है। पूरे इंटरनेट पे हमें एक ऐसी, लिटरली एक ऐसी स्टडी नहीं मिली है जो इंडिया के जेन अल्फा बच्चों के ऊपर कंडक्ट की हो, जबकि यही सारे सिम्टम्स तो हमारे देश के बच्चे भी दिखा रहे हैं। इसीलिए इस वीडियो को आप एक डिस्क्लेमर के जैसे ले सकते हो, इससे पहले ये प्रॉब्लम हमारे देश में इररिवर्सिबल हो जाए हमें दूसरे देशों से सीखना चाहिए। अमेरिका, यूरोप, साउथ अफ्रीका, एशिया, जिन भी देशों में इस जनरेशन के वियर्ड बिहेवियर पर रिसर्च किया गया, सबके रिसर्च में एक ही कॉमन लिंक मिला है, आईपैड्स। और इसीलिए इस जनरेशन का नाम भी पड़ गया है द आईपैड जनरेशन। लेकिन यार, एक आईपैड जैसी चीज इस पूरे जनरेशन में इतने ड्रास्टिक प्रॉब्लम्स कैसे क्रिएट कर सकती है? आई मीन, हम भी तो फोन्स और आईपैड्स वगैरह यूज करते हैं, लेकिन हम तो ऐसे टैंट्रम्स नहीं थ्रो कर रहे, हमारा बिहेवियर तो अग्रेसिव नहीं हो रहा है। सो ये एक डिवाइस इन बच्चों के दिमाग में ऐसे क्या चेंजेस क्रिएट कर रही है, लेट्स अंडरस्टैंड।
अच्छा एक और एक बात जो जनरेशन अल्फा में देखा जा रहा है वो ये है कि ये बच्चे लैंग्वेजेस काफी लेट सीख रहे हैं और ये बेसिक ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक्स तक कर रहे हैं। अब आईपैड में सारा दिन गेम्स खेलना तो इनके लिए एडिक्टिव है ही, लेकिन व्हाट इफ आई टेल यू कि आप उसी आईपैड से इन्हें ऐसे गेम्स भी सिखा सकते हो जिससे आपके बच्चे अलग अलग लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। यस, सो जनवरी में मेरा ये ईयर का रेजोल्यूशन था कि मैं इस साल कुछ लैंग्वेजेस सीख लूं, तो मैंने डुओलिंगो पे फ्रेंच सीखना शुरू कर दिया। इसमें मुझे सिर्फ डेली का कुछ 5 से 10 मिनट स्पेंड करके कुछ फन एक्टिविटीज करनी होती थी, जिसमें काफी गेमिफाइड तरीके से मैंने फ्रेंच लैंग्वेज के बेसिक सीख भी लिए हैं। बोंजोर जमापेल निकिता ठाकुर। डुओलिंगो की सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ आपका लर्निंग प्रोसेस काफी ट्रैकेबल है और इनकी ये डेली स्ट्रीक्स और अचीवमेंट्स तो मेरे लिए पर्सनली काफी मोटिवेटिंग होते हैं कि मैं एक भी दिन अपना क्लास मिस ना करूँ। आप भी डुओलिंगो से काफी सारे लैंग्वेजेस सीख सकते हो, इंग्लिश, स्पैनिश, जर्मन, ऑल्सो कुछ काफी यूनिक लैंग्वेजेस भी, जैसे कि क्लिंगन और हाई वेलेरियन फ्रॉम गेम ऑफ थ्रोन्स। सो शुभकाम में देरी कैसी, अनलॉक योर लैंग्वेज पोटेंशियल, डाउनलोड डुओलिंगो टुडे, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब देखो आईपैड से काफी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो है ओवर स्टिमुलेशन ऑफ द ब्रेन। सो पिछले ही साल 2023 में देश विदेश के कई सारे पेरेंट्स अचानक से कंप्लेन करने लग गए कि एक पॉपुलर कार्टून कोकोमेलन रेगुलरली देखने से उनके बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट रुक गया है, स्लो हो गया है। उनका कहना था कि उनके बच्चों का स्पीच डिले हो रहा है, यानी वो लैंग्वेज जल्दी सीख नहीं पा रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये कार्टून देखने नहीं मिलने पर बच्चे हद से ज़्यादा टैंट्रम्स दिखाने लग गए। वो इतने अग्रेसिव हो गए हैं कि जब उन्हें ये शो देखने से मना किया जाता है तब वो बच्चे अपने आप को ही मारने तक लग जाते हैं, जैसे वो कोई बच्चे नहीं बल्कि ड्रग एडिक्ट्स हो। अब काफ़ी सिमिलर पैटर्न आपको उन बच्चों में भी दिखेगा जो काफ़ी ज़्यादा रील्स और शॉर्ट फॉर्म कॉन्टेंट कंज्यूम करते हो पूरे दिन। एक रीसेंट सर्वे में पाया गया कि हर एक दिन एक छोटा बच्चा 3 घंटे सिर्फ रील्स देखने में बिताता है, और इसमें यूट्यूब वीडियोस, टीवी, कार्टून्स, ये सब तो हमने पकड़ा भी नहीं है। नाउ छोटे उम्र में ही एक्सेसिव स्क्रीन टाइम का जनरेशन अल्फा के ब्रेन पर क्या असर होता है, इसे टेस्ट करने के लिए एक काफी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था। इस स्टडी में रिसर्चर्स ने 10 चूहे लिए और उन्हें हर दिन 6 घंटे के लिए कंटिन्यूसली एक साथ काफी सारे डिफरेंट साउंड सुनाए और फ्लैशेस दिखाए, बिल्कुल एक मोबाइल फोन या फिर रील्स वगैरह को मिमिक करने के लिए। फिर यही सेम प्रोसेस 42 डेज रिपीट करने के बाद जब उन 10 चूहों के ब्रेन को स्टडी किया गया तब पता चला कि उनके ब्रेन के ये सारे रीजन्स एक साथ कंटिन्यूअसली एक्टिवेटेड थे फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन वहीं पे बाकी के सभी मेजर पार्ट्स, जैसे कि ये रीजन्स जिनका स्क्रीन में कंटेंट देखने के वक्त उतना ज़्यादा रोल नहीं होता है, वो पार्ट्स क्योंकि काफ़ी टाइम तक डीएक्टिवेटेड थे, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये ऑब्जर्व किया गया कि इन बच्चों में ब्रेन के इन रीजन्स की साइज ही धीरे धीरे श्रिंक होने लग गई थी। अब ये सारे पार्ट्स बच्चे के ब्रेन के वो मेन रीजन्स है जो कॉग्निशन, क्रिटिकल थिंकिंग, मेमोरी, डिसीजन मेकिंग, इन इंपॉर्टेंट चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन डेवलपमेंट के मेन ईयर्स में अनफॉर्चुनेटली सारा दिन आईपैड पे कॉन्टेंट कंज्यूम करने के चक्कर में इन रीजन्स का बच्चों के ब्रेन में कुछ डेवलपमेंट ही नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से ना पढ़ाई के लिए इन बच्चों के पास स्ट्रॉन्ग मेमोरी डेवलप हो पा रही है, ना उनके पास स्मार्ट चॉइसेस लेने के लिए स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज डेवलप हो पा रहे हैं, और सारा दिन फोन पे रहने की वजह से ना ही उनमें लोगों के साथ मिक्सअप होने के लिए लगने वाले सोशल स्किल्स डेवलप हो पा रहे हैं। यानी दिस इज अ परफेक्ट रेसिपी फॉर अ डिप्रेस्ड, एंक्शियस एंड लोनली जनरेशन। अब रही बात कार्टून्स की, तो डॉक्टर्स के हिसाब से कई सारे कार्टून्स के ब्राइट ओवर सैचुरेटेड कलर्स, फास्ट स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स और इंटेंस फ्लैशेस एक मेजर रीजन है कि कई सारे कार्टून्स काफी ज्यादा एडिक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि काफी लंबे समय तक बच्चों के ब्रेन को ओवर स्टिमुलेट कर देते हैं, यानी काफी सारे रीजन्स को एक साथ एक्टिवेट कर देते हैं, जिस वजह से अगर ये कार्टून्स को बहुत ही लंबे समय तक देखा जाए और उसके बाद अचानक से बच्चों को ये कार्टून्स देखने ना दिया जाए तो वो काफी केसेस में अग्रेसिव हो जाते हैं, जिस वजह से डॉक्टर्स ये सजेस्ट करते हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ कार्टून्स देखें या फिर एटलीस्ट ये मॉनिटर करें कि वो कौन सा कार्टून देख रहे हैं, कितने समय के लिए देख रहे हैं, क्योंकि कार्टून्स गलत नहीं है अगर सही तरीके से कार्टून्स को दिखाया जाए और सही कार्टून्स दिखाए जाए तो वही कार्टून्स बच्चों के थिंकिंग और लर्निंग एबिलिटीज भी बढ़ा सकते हैं। सो हमारे रिसर्च में ये कुछ लिस्ट ऑफ कार्टून्स है जो हमें मिले, जो काफी स्लो पेस्ड है, बच्चों के ब्रेन को ज्यादा ओवरवेलम नहीं करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उन्हें कुछ सीख भी देते हैं। आप इन्हें भी देख सकते हो और इसके अलावा आप अपने रिसर्च में और भी कार्टून्स ढूंढ सकते हो। नाउ द सेकंड प्रॉब्लम विद आईपैड्स इज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कल्चर
और ADHD सिंड्रोम। देखो, जेन अल्फा एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली जनरेशन है। इनफैक्ट ऐसा भी कहा गया है कि ये जनरेशन आज तक की सबसे रिचेस्ट जनरेशन है, क्योंकि इन्हें बिना कोई काम किए जो चाहिए वो चीज तुरंत मिल जाती है। प्लस रील्स क्या है, रील्स भी तो आपको हर 6 सेकंड में बिना कुछ मेहनत किए एक इंस्टेंट हिट देता है। यहाँ पे हिट से मेरा मतलब है एक इंस्टेंट रिलीज ऑफ अ फील गुड न्यूरोट्रांसमीटर इन आवर ब्रेन, डोपामाइन। नाम तो सुना ही होगा। बेसिकली जब भी आप कोई भी एक्टिविटी करते हो जो आपको प्लेजर देता है, तो तब आपके ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है जो आपको वही एक्टिविटी को रिपीट करने के लिए मोटिवेट करता है। दिस इज ऑलमोस्ट लाइक द करेंसी ऑफ योर ब्रेन। अब बस इमेजिन, आप स्कूल से आए थके हो और आपके हाथ में एक आईपैड आ जाता है। ऑब्वियसली अब क्या होगा, एक रील देखा इंस्टेंट डोपामाइन हिट, दूसरा रील देखा इंस्टेंट डोपामाइन हिट, तीसरा देखा इंस्टेंट डोपामाइन हिट, एंड सो ऑन। नाउ कंपेयर दिस टू अदर जनरेशंस, स्पेशली आवर जनरेशन। हमारे टाइम में अगर हमें कोई भी खिलौना चाहिए होता था तो हमें ऐसा कहा जाता था, पहले अच्छे मार्क्स लाओ फिर हमें कोई खिलौना मिलेगा। तब तो हमें इन सब चीजों से बहुत ज्यादा चिढ़ मचता था। लेकिन अगर आप अभी देखोगे तो इन्हीं चीजों ने हमें पेशेंस, हार्डवर्क और परसिस्टेंस जैसे स्किल्स डेवलप किए। हमारी जनरेशन में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का तो कोई सवाल ही नहीं था। हम वो जनरेशन है जो अपने फेवरेट कार्टून के लिए सारा दिन इंतजार करते थे ताकि हम 7:30 बजे शाम को आधे घंटे के लिए अपना फेवरेट शो देख सके, वो भी बड़े बड़े एड्स के बीच में। आईफोन मिलना तो दूर, अगर एक चॉकलेट भी खाना होता था तो पहले पढ़ाई करो फिर शाम को नीचे जाकर खुद खरीद कर खाओ। लेकिन आज ऑलमोस्ट हर एक बच्चे के पास आईफोन है, उसे कुछ खाना है तो इंस्टेंटली स्विगी, जोमैटो, जेप्टो सब कुछ अवेलेबल है। लोनली फील हो रहा है, फ्रेंड से बात करना है, सोशल वैलिडेशन चाहिए तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब कुछ उनके फिंगर टिप्स पे अवेलेबल है। बोर हो रहा है, मूवी देखनी है, कोई कार्टून देखना है तो अमेजोन प्राइम, नेटफ्लिक्स, रील्स, यूट्यूब सब कुछ अगेन उनके फिंगर टिप्स पर अवेलेबल है। और इसीलिए जनरेशन अल्फा की सबसे कंसर्निंग बात है इंस्टेंट प्लेजर कल्चर। So, आज से करीब 60 साल पहले यानी 1960s में एक स्टैनफोर्ड प्रोफेसर वाल्टर मिशेल ने एक 4 से 5 साल के बीच के कुछ हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रन के साथ एक काफी यूनिक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, द फेमस मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट। बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट के लिए रिसर्चर्स ने बच्चों के सामने एक मार्शमेलो रखा और उन्हें कहा कि अब वो लोग रूम से बाहर जा रहे हैं और थोड़ी देर में वापस आएंगे। लेकिन तब तक जिन भी बच्चों ने अपना मार्शमेलो नहीं खाया था, उसे हाथ भी नहीं लगाया था, उन्हें फिर आने के बाद वो लोग एक और एक मार्शमेलो देंगे। लेकिन अगर वो बच्चों ने मार्शमेलो खा लिया तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। सो बच्चों के लिए चॉइस काफी सिंपल थी, 1 ट्रीट राइट नाउ और 2 ट्रीट्स लेटर ऑन। फिर उन्होंने इन बच्चों को 15 मिनट के लिए रूम में उस मार्शमेलो के साथ रख दिया। जाहिर है कुछ बच्चों ने तुरंत ही मार्शमेलो खा लिया, लेकिन कुछ बच्चों ने सेकंड मार्शमेलो के लिए उसे छुआ तक नहीं। अब 15 मिनट बाद रिसर्चर्स वापस रूम में आए और बच्चों को तो घर वापस भेज दिया, लेकिन ये मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट उन बच्चों पर अगले 40 सालों तक चालू ही था। रिसर्चर्स ने अगले 40 सालों तक उन बच्चों पर नजर रखी एंड द रिजल्ट्स वर वेरी शॉकिंग। जिन बच्चों ने दूसरा मार्शमेलो मिलने के चक्कर में पहले वाले को छुआ तक नहीं था, वो सभी बच्चे अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन गए थे। लेकिन जिन्होंने पहले वाले मार्शमेलो को फटाक से खा लिया था, वो सब अपनी लाइफ में 40 साल बाद भी स्ट्रगल ही कर रहे थे। रीजन सिर्फ एक, A habit of delayed gratification। Experiment ने conclude किया कि जिस भी बच्चे में उतना patience और persistence था कि वो अभी एक immediate gratification, यानि एक immediate pleasure के सामने नहीं झुके और patiently wait करे एक long term reward के लिए, वो बच्चे life में ज़्यादा successful थे। उन बच्चों के SAT scores higher थे, उन्हें lower risk of obesity था, substance abuse उनके case में नहीं था, यानि addiction के cases कम थे, और तो और उनके social skills और stressful situation में उनका response भी दूसरे बच्चों से काफ़ी ज़्यादा बेहतर था। Now अगर इसी experiment के parallels हम अपने generation alpha में draw करें तो आप देखोगे exactly यही skill बच्चों के सबसे ज़्यादा developmental stages में lack होने की वजह से इस generation का behavior काफ़ी ज़्यादा aggressive होते जा रहा है। इस बात को समझने के लिए दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात पे जाते हैं। जब एक बच्चा बड़ा होता है तब बच्चे के ब्रेन में ना नेटवर्क्स यानी कि उसकी ब्रेन की वायरिंग्स बिल्ड हो रही होती है, लेकिन ये वायरिंग्स बिल्ड होती है बेस्ड ऑन उन्हें किस एक्टिविटी से कितना डोपामाइन मिलता है यानी कितना प्लेजर मिलता है। देखो, ब्रेन की लैंग्वेज इज सिंपल, व्हाटएवर गेट्स रिवॉर्डेड गेट्स रिपीटेड। अगर बच्चे को सारा दिन पढ़ाई करने में प्लेजर मिल रहा है तो उसका ब्रेन वैसे ही वायरिंग्स डेवलप करेगा। अगर बच्चे को स्पोर्ट्स खेलने में प्लेजर मिल रहा है तो उसका ब्रेन वैसे ही वायर हो जाएगा।
लेकिन अगर बच्चे को सारा दिन कार्टून्स और रील्स देखने से प्लेजर मिल रहा है तो उसका ब्रेन सिर्फ और सिर्फ एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की हैबिट के हिसाब से वायर हो जाएगा और इसकी आदत लगने के चांसेस भी हाई है, क्योंकि आप समझो ये वही बात हो गई कि बाहर का जंक फूड खाने के बाद किसी को घर का हम्बल दाल चावल अच्छा लगता है क्या, डेजर्ट खाने के बाद कोई करेला खा सकता है क्या। इसीलिए अगर एक बार एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत लग जाए तो बच्चों में पेशेंस एंड परसिस्टेंस फॉर अ लॉन्ग एंड डिलेड ग्रेटिफिकेशन, जैसे पढ़ाई करना, कोई स्पोर्ट्स खेलना जिसमें भी उनका ब्रेन उन्हें प्लेजर फील करवाएगा, उसके लिए डोपामिन रिलीज करेगा, लेकिन ये हिट काफी डिलेड होगा एज कम्पेयर टू से एक इंस्टेंटली रील देख लेना। तो उस डिलेड ग्रेटिफिकेशन की बच्चों को आदत ही नहीं रहती है, जिस चक्कर में बच्चों में ADHD डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जो कि एक बहुत ही कंसर्निंग प्रॉब्लम है, क्योंकि इसी की वजह से पेरेंट्स कंप्लेन कर रहे हैं कि बच्चे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, टीचर्स कंप्लेन कर रहे हैं कि 7th स्टैंडर्ड के बच्चों को 5th स्टैंडर्ड का बेसिक मैथ्स या फिर लैंग्वेज नहीं आ पा रहा है, पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि बच्चे सारा दिन टैंट्रम्स थ्रो करते हैं, कुछ उनके हिसाब से नहीं होता तो वो ट्रिगर हो जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 विद आईपैड कल्चर इज लैक ऑफ स्लीप। 2024 यूपी में 5 साल की बच्ची कामिनी की कार्टून देखते देखते अचानक से मौत हो गई, रीजन हार्ट अटैक। 2020 में इजिप्ट में तो 12 साल का बच्चा पबजी खेलते खेलते अचानक से कोलैप्स हो गया, अगेन रीजन हार्ट अटैक। पर आखिर बच्चों को गेम्स और कार्टून्स देखते देखते हार्ट अटैक कैसे आ सकता है? यू नो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी थॉट फर्स्ट, लेकिन जैसे ही इस पर थोड़ी रिसर्च की तो पता चला कि US की सबसे बड़ी नॉन प्रॉफिट मेडिकल रिसर्च फैसिलिटी मास जनरल ब्रिहम ने इस पर ऑलरेडी स्टडी कर रखा है, और उनके अनुसार बच्चों में ये जो हार्ट डिजीजेस बढ़ रहे हैं वो एक रीजन की वजह से बढ़ रहे हैं, वो है लैक ऑफ स्लीप। अनबिलीवेबल राइट? इनफैक्ट एक स्टडी के अंडर जब 829 बच्चों के स्लीप पैटर्न्स को कई हफ्तों तक ट्रैक किया गया तब पता चला कि जो बच्चे 7 घंटे से कम सो रहे थे उनके हार्ट की हेल्थ ड्रास्टिकली गिर गई थी और उनका ब्लड प्रेशर भी काफी ज्यादा बढ़ गया था। अब ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारे बॉडी के लिए स्लीप बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि रात में ही हमारी बॉडी एक रिपेयर्ड मोड में चले जाती है। दिन भर हमने जितने भी एक्टिविटीज किए हो, जिमिंग, रनिंग, प्लेइंग स्पोर्ट्स, जो भी किया है उससे जितने भी मसल वगैरह टेयर होते हैं वो सब रात को रिपेयर होते हैं, और इसीलिए हमारा ब्रेन जैसे कि रात होती है ग्रोथ हार्मोन जो मसल बिल्डिंग और डैमेज रिपेयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसे रिलीज करता है। लेकिन आईपैड कल्चर से प्रॉब्लम क्या है कि यूजुअली होता क्या है, जैसे ही अंधेरा होता है तो हमारा ब्रेन मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन जो कि एक स्लीप हार्मोन है उसे रिलीज करता है। ये हमारे स्लीप साइकिल को रेगुलेट करने में हेल्प करता है और साथ ही ग्रोथ हार्मोन के सेक्रेशन को भी कंट्रोल करता है, जो कि जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया मसल्स वगैरह के रिपेयरिंग के लिए यूज होता है। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि क्योंकि ये जनरेशन अल्फा कंटिन्यूअसली रात में भी फोन वगैरह यूज करती है तो उनका ब्रेन ट्रिक हो जाता है और उसे ऐसे लगने लग जाता है कि मानो अभी भी दोपहर है, दिन शुरू है। अब ये मैसेज मिलते ही ब्रेन मेलाटोनिन रिलीज करना बंद कर देता है या स्लो कर देता है और इसके वजह से स्लीप साइकिल उनकी बच्चों की पूरी डिस्टर्ब्ड हो जाती है। नाउ दिस इज द मोस्ट कंसर्निंग पार्ट, क्योंकि जब बच्चों का स्लीप साइकिल डिस्टर्ब्ड हो जाएगा तो उनके ब्रेन में कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन नाम के स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होने लग जाते हैं। अब जिन हॉर्मोन्स का नाम ही स्ट्रेस हार्मोन है तो जाहिर सी बात है वो उन बच्चों के बॉडी में हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं एंड इवेंचुअली इससे काफ़ी चांसेस हो जाते हैं कि हार्ट रिलेटेड कोई भी इश्यूज, हार्ट अटैक वगैरह बच्चों में आ सके। नाउ प्रॉब्लम नंबर 4 विथ आईपैड कल्चर इज सेक्शुअल कॉन्टेंट फॉर किड्स। अब देखो मैं यूट्यूब किड्स के बारे में ज़्यादा नहीं बता सकती क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पर ही अपलोड होने वाला है और इसे फ्लैग किया जा सकता है, लेकिन YT किड्स जो ऐप स्पेसिफिकली यूट्यूब ने बच्चों के लिए ही बनाया है उस पर काफ़ी सारे एलिगेशन लगे हैं फॉर शोइंग सेल्फ हार्म, सब्सटेंस अब्यूज एंड सेक्शुअली सजेस्टिव अडल्ट कॉन्टेंट। कुछ कार्टून वीडियोज काफ़ी वायरल भी हुए थे बीच में, जैसे ये वाला एक AI जनरेटेड वीडियो जिसमें मिकी और मिनी माउस वो मेकिंग लव, लेकिन फिर एक दूसरी फीमेल कैरेक्टर वहां से पास होती है और उसके चेस्ट पे जूम किया जाता है, उस एरिया को हल्का सा बाउंस ही दिखाया जाता है और बैकग्राउंड में काफी ज्यादा सेक्सुअली सजेस्टिव म्यूजिक प्ले होता है, तो इसके रिस्पांस में मिकी माउस मिनी माउस को छोड़कर उस लड़की पे ध्यान देने लग जाता है। सो बेसिकली इस टाइप का कॉन्टेंट, लेकिन YT किड्स तो चलो फिर भी रेगुलेटेड है क्योंकि यूट्यूब ने इसके ऊपर एक्शन लिया था, लेकिन व्हाट अबाउट इंस्टाग्राम?
देखो जाहिर है ये सब सिर्फ प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पर जैसे चाहे लोग कंटेंट अपलोड कर सकते हैं। हाँ ऑफ कोर्स रेगुलेशंस है, लेकिन एज पेरेंट्स हमारी भी रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि हम हमारे बच्चों को रेगुलेट करें। हमारे बच्चे किस प्लेटफॉर्म पे किस टाइप का कितने देर तक कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं उसे हम भी रिव्यू करें, क्योंकि ये सिर्फ प्लेटफॉर्म्स में ही नहीं टीवी पर भी जो कार्टून्स आते हैं उस पर भी काफी सारे कार्टून्स पे एलिगेशंस लगे हैं कि कुछ कुछ जगहों पे कुछ सेक्सुअली सजेस्टिव वीडियोस प्ले किए गए थे या फिर कुछ हार्श लैंग्वेज को यूज किया गया था। तो सिर्फ एक जनरल सजेशन रहता है डॉक्टर्स की तरफ से कि पेरेंट्स अपने बच्चों के कंटेंट पैटर्न को रिव्यू करें कि वो क्या देख रहे हैं। चलो नाउ हैविंग अंडरस्टूड द प्रॉब्लम्स ऑफ जनरेशन अल्फा, इसके सॉल्यूशंस क्या है? अब याद है बचपन में हमें एसे वगैरह लिखने के लिए टॉपिक्स मिलते थे। एक टॉपिक होता था जिस पर मैं हमेशा एसे लिखती थी, वो मेरा फेवरेट था, टेक्नोलॉजी अ बून और अ बेन। देखो आईपैड बेबीज का अगर वीकेस्ट पॉइंट ही है उनका आईपैड कल्चर, तो यही एग्जैक्टली उनका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट भी बन सकता है इफ यूज्ड करेक्टली। मतलब जनरेशन अल्फा इज द रिचेस्ट जनरेशन, जनरेशन अल्फा इज द मोस्ट एडवांस्ड एंड टेक सैवी जनरेशन, और प्रेडिक्शंस तो ये भी है कि जनरेशन अल्फा इज गोइंग टू बी द मोस्ट एजुकेटेड जनरेशन ऑल्सो, क्योंकि ये पूरी जनरेशन ही टेक्नोलॉजी के एरा में पैदा हुई है। इनके लिए पूरी दुनिया की नॉलेज इनके फिंगर टिप्स पे अवेलेबल है, विच इज देयर ग्रेटेस्ट एडवांटेज टू। प्रॉब्लम मेरे हिसाब से एटलीस्ट आईपैड्स में नहीं है, प्रॉब्लम है उस डिवाइस में आपका बच्चा क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहा है उसमें। हमारे टाइम पे हमें कोई भी चीज सीखनी होती थी तो क्लासेस जाओ, स्कूल जाओ, ट्यूशन जाओ, कहीं पे जाकर सीख के आओ। लेकिन आज सोशल मीडिया के ज़माने में बच्चों के पास यूट्यूब कोर्सेज हैं, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स हैं, एजुकेशनल एप्लीकेशंस हैं। बेसिकली टेक्नोलॉजी ने काम कितना ज़्यादा आसान कर दिया है अगर उसे सही से यूज़ किया जाए तो। ऑल्सो इसी एडवांस टेक्नोलॉजी को अगर सही से यूज़ किया जाए तो ये जेन अल्फा बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग को स्ट्रेंथन करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए इनके फिंगर टिप्स पे सारा इन्फॉर्मेशन तो अवेलेबल है ही, पर साथ ही इनके पास ऐसे सारे गेम्स भी अवेलेबल है जो बहुत ही सिंपल वे में बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग और उनके डिसीजन मेकिंग स्किल्स डेवलप करते हैं। इसीलिए मेरे हिसाब से प्रॉब्लम सिर्फ आईपैड्स में नहीं है, हम खुद मॉनिटर कर सकते हैं कि हमारे बच्चे उस आईपैड में कौन सा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ऑल्सो इसके साथ क्या बच्चे वाकई में फिजिकली नीचे जाकर खेलना सीख रहे हैं, फ्रेंड्स बनाना सीख रहे हैं। कोई स्पोर्ट्स में अगर बच्चे इंटरेस्टेड हैं तो हम उन्हें बचपन से ही उनके क्लासेस लगवाएं, उन्हें वो स्पोर्ट खेलने के लिए मोटिवेट करें। अगेन इट जस्ट कम्स बैक टू द बेसिक्स। एक बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए सिर्फ IQ नहीं बल्कि मैं तो बोलूंगी उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस बच्चे का EQ, यानी बच्चे का इमोशनल क्वोशेंट। जो EQ ऐसे एक्टिविटीज जैसे कि स्पोर्ट्स, कोई आर्ट, डांस, टीम वर्क, बेसिकली कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें सोशल इंटरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, उस एक्टिविटी से EQ बढ़ता ही है। अब आई नो ये सब सुनने में आपको लग रहेगा कि तो बेसिक्स है, लेकिन कैन यू बिलीव दिस, आज US में ऐसे प्रिस्क्रिप्शंस बांटे जा रहे हैं बाय डॉक्टर्स जिसमें लिखा जा रहा है बकायदा कि बच्चे को पार्क में 2 घंटा खेलने के लिए लेके जाओ। Some doctors are now prescribing kids playtime. नीचे जाके गार्डन में खेलने के लिए प्रिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है। यार हमारे जमाने में तो हमें मम्मी खींच के घर पे लेके आ जाती थी कि खेलो मत ज्यादा, पढ़ाई करो। सो जस्ट मेरा कहना ये है कि जो चीजें उस टाइम पे बहुत बेसिक थी आज वो उतनी बेसिक नहीं है शायद, कि इससे पहले वेस्ट में जितना ये प्रॉब्लम बड़ी हो चुकी है उतना प्रॉब्लम यहाँ पे बड़ी हो। हम अपने बच्चों पे ध्यान दें, उन्हें शुरू से ही मॉनिटर करें, उन्हें रिव्यू करें, उनके एक्टिविटीज़ को ट्रैक करें और जितना हो सकता है बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट पे हम ध्यान दें। इसीलिए इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करो। ऑल्सो एज पेरेंट्स एक और एक प्रॉब्लम है जो आजकल काफ़ी ज़्यादा रैम्पेंटली फैल रहा है, विच इज़ बोटॉक्स कल्चर इन इंडिया। आई नो हमने अब तक सिर्फ यही सुना रहेगा कि बोटॉक्स कल्चर सिर्फ बॉलीवुड में होता है या फिर वहीं पे वो काफ़ी ज़्यादा रैम्पेंट है, लेकिन अभी काफ़ी सारे केसेस ऑब्जर्व किए जा रहे हैं कि कॉर्पोरेट्स में, शादियों में, पॉलिटिक्स में तक बोटॉक्स यूज किया जा रहा है। इस टॉक्सिक कल्चर पे हमने डिटेल में वीडियो बना रखा है, अगर आप वो देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके उसे देख सकते हो। और जैसे कि मैंने कहा कि आप इन्हीं आईपैड्स को कंस्ट्रक्टिवली भी यूज कर सकते हो, जैसे कि डुओलिंगो एक एप्लीकेशन है जो आप इजीली अपने बच्चों को दे सकते हो, जहाँ पे वो लोग लैंग्वेजेस सीख सकते हैं सिर्फ 5 से 10 मिनट्स में एवरी डे कुछ फन एक्टिविटीज करके। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डुओलिंगो का लिंक डाल दिया है, डू चेक इट आउट। जय हिंद।